पा रहे हैं रेजुवेन आरओ बनाया है, दो मेम्ब्रेन का है ये, एक घंटे में लगभग 45 लीटर पानी ये देगा क्योंकि इसमें दो मेम्ब्रेन लगा रखा है, ये आप देखेंगे। अब मैं इसको ऑन करूँगा, इसका कनेक्शन सीधा आयोनाइजर से है, ये ऊपर आप देख पा रहे हैं ये आयोनाइजर है। मैं प्लग ऑन करता हूँ तो आप देखेंगे ये स्टार्ट होगा और इसके साथ ही ये इसमें आप लाइट देख रहे हैं स्टार्ट हो गया और इसके साथ ही लगते हाथ एक ही स्विच से ये आयोनाइजर भी स्टार्ट हो गया, ये आप देखें। और चूंकि चैम्बर एक बार खाली रहता है तो पानी आरओ का जो वेस्टेज है वो यहाँ से आना स्टार्ट हो गया है, जब यहाँ से आना स्टार्ट हो गया तो नेचुरल बात है कि अब आप देख रहे हैं मैंने इसको एक एक्स्ट्रा यहाँ एयर निकालने के लिए दे रखा है, लेकिन इसके पहले मैं इसको ऑन करूँगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। मैंने इसको ऑन कर दिया, फर्स्ट इसमें ये देखें आप, तो ये पानी इधर बंद हो गया, इधर ऑटोमेटिकली बंद हो गया, जबकि ऑन है वो फिर भी बंद हो गया क्योंकि अंदर पंप लगा है, पंप ने पानी खींच लिया है। और ये अभी एट ए टाइम 7.5 पीएच पे और ये पानी इधर आ गया। इस पानी के पीएच को अगर हम चेक करते हैं तो ये पानी मैंने ये इसमें लिया, फर्स्ट क्योंकि इसका फर्स्ट लेवल मैंने ऑन किया था तो इसका हम पीएच देख लेते हैं। ये आप देखिए ये फर्स्ट पे जो आपको लगभग 8.5 पीएच का पानी दे रहा है, इसका ही है ऐसे तो कलर इसका, लेकिन अभी ये वीडियो में आपको थोड़ा डार्क दिख रहा है। और अब जो ही मैं सेकंड नंबर ऑन करूँगा, तो सेकंड नंबर ऑन करते ही और ये 8.5 हो गया है और अब हम इसके ऊपर इसका भी पीए चेक कर लेते हैं। ये पीए चेक करने के लिए ये देखो जस्ट सेकंड के अंदर ही ये आपको लगभग 9.5 के ऊपर 10 पीएच के लगभग पानी दे दिया इसने। अब हम थर्ड पे जाएंगे, ये मैंने थर्ड पुश किया और थर्ड को हम देखते हैं, हाइड्रोजन फुल है इसमें, ये देखो आप बुलबुले बुलबुले दिखाता हूँ आपको, ये पूरे बुलबुलों से भरा हुआ है, ये यहाँ से देखेंगे ये बारीक बारीक बुलबुले, ये तभी बढ़ेगा जब हाइड्रोजन उसमें जाएगा। अब आप देखेंगे ये 10.5 पीएच हो गया, इस वन 10.5 पीएच हो गया और ये तो हुआ वन साइडेड। और अगर आप इधर देखते हैं इसमें एसिडिक पानी आ रहा है, ये कितने पीएच का आ रहा है वो हम देख लेते हैं क्योंकि मैंने इसका जो फ्लो है बहुत स्लो कर रखा है, चाहूँ तो मैं इसको बढ़ा सकता हूँ लेकिन फिर एल्कलाइन की तरफ फ्लो स्लो हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि ऑलरेडी पीएच हाई दे रहा है इसके लिए मैंने इसको स्लो कर दिया, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं इसका पीएच कितना है जो कि एसिडिक है। अब ये ब्यूटी वाटर है सोराइसिस वगैरह के अंदर आप इसको लगाएं, ये देखिए आप आरओ का पानी एक्चुअल में ये आता है, ये आरओ का पानी, इससे ब्यूटी वाटर है, ये आप नहाएं इससे ये ग्लो रहेगा आपका। और ये तो हो गया वन सिस्टम, दूसरा सिस्टम हमें इसको जब हमें बंद करना हो उसके पहले हमें इसका वॉशिंग इसको वॉश करना चाहिए, और वॉश करने के लिए ये वाला पुश मैं दबाऊँगा, दिस वन वॉशिंग, यहाँ लिखा हुआ है वॉशिंग, ये वॉशिंग में ये पाइप यहाँ से पानी बंद हो जाएगा और ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये आप देख रहे हैं ये यहाँ से स्टार्ट हो गया
ये इसके अंदर जितनी भी गंदगी ये हार्डनेस चिपकाती है, चैम्बर जो लेता है ये हार्डनेस ये वापस निकाल देता है। पर्टिकुलर 30 सेकंड तक ये चलेगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अब इसमें एक खूबसूरत बात यह है कि आपने मान लो आरओ बंद कर दिया तो पूरा सिस्टम एक साथ बंद होगा, साथ ही साथ में ये देखो ये पानी बंद हो गया। अब ये यहाँ पे भी ये अब एक बार बंद हो गया, जब आप वापस चलाओगे तो ये चलेगा, मैं इसको पुश करूँगा तो ये रिटर्न चलेगा। और तब तक पहले पानी ये यहाँ आने लग जाता है और फिर ये पानी यहाँ रुक के और ये यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि चैम्बर पूरा खाली हो चुका है तो चैम्बर को भरने में टाइम लगता है, पूरा चैम्बर भरता है, लगभग आधा पौन लीटर पानी चैम्बर में रहता है, इसके लिए थोड़ा टाइम खाएगा। ये देखिए आप, ये पानी इसने स्टार्ट कर दिया, ये खाली सीधा डायरेक्ट आरओ से है। और इस आरओ में भी मैंने सिस्टम जो बनाया है वो ये बनाया था, मान लो आपके ऊपर का टैंक खाली है तो ये आरओ ऑन नहीं होगा जब तक पानी इसमें जाएगा नहीं, जब तक आरओ ऑन नहीं होगा तो आयोनाइजर भी ऑन नहीं होगा, दोनों एक साथ बंद रहेंगे। साथ ही साथ बाय चांस आपका पानी बाहर नहीं जा रहा है, इट मींस आयोनाइजर में पानी नहीं जा रहा है और रुक रहा है क्योंकि आपने आयोनाइजर ऑन किया नहीं है, उस अवस्था में आरओ भी बंद हो जाएगा और आयोनाइजर भी बंद हो जाएगा। वो हम करके देखते हैं कि कैसे बंद होगा। ये मैंने इसको एक बार वॉशिंग मोड पे डाल दिया, लेकिन उसके पहले मैं इसको बंद करूँगा, क्योंकि मैं ये अगर ये खुला रहेगा तो बंद नहीं होगा, लेकिन मैंने इसको वॉशिंग मोड पे करूँगा तो इट मीन्स अब पानी आगे नहीं जा रहा है। अब आगे नहीं जा रहा है तो आप देखेंगे कि दोनों की लाइटें एक साथ बंद होगी, आयोनाइजर की भी, और क्योंकि प्रेशर बना और ये बंद हो गया, ये ऑटोमेटिकली पूरा मशीन बंद हो गया। अब अगर मुझे इसको ये इसलिए यहाँ लगाया है कि इससे आयोनाइजर बंद नहीं होगा क्योंकि ये प्रेशर इधर निकल जाएगा, ये इधर निकल गया, इट मीन्स आयोनाइजर अब ऑन है। तो उस अवस्था के अंदर क्योंकि ये ऑफ रहेगा तो हम इसको फिर आगे जो मोड है इसके मोड को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसके लिए मैंने ये अलग से दे दिया जिससे आयोनाइजर बंद नहीं हो, ये आपको पता रहे। अगर इसको बंद कर दोगे तो ये आयोनाइजर भी बंद हो जाएगा, लेकिन मैंने इसको खोल दिया, लेकिन मैं जो ही इसको चलाऊंगा अब देखना उधर जो पानी आ रहा है वो बंद हो जाएगा। पहले मैं इसका पुश करता हूँ, ये मैंने पुश किया तो ऑटोमेटिकली पानी आयोनाइजर में गया और ये यहाँ से अपने आप ही बंद हो गया, क्योंकि अंदर आयोनाइजर में पंप जो है उस पानी को खींच लिया उसने, ये बंद हो गया। अब देखें इस फुली ऑटोमेटिकली एक सिस्टोमेटिक मैंने इसको डिजाइन किया है जिससे आप अगर नहीं भी हो कोई अगर गैर व्यक्ति भी इसको ड्राइव कर रहा है उस अवस्था के अंदर आयोनाइजर हमारा खराब नहीं हो और आरओ भी अपने आप बंद हो जाए। अब ऐसी अवस्था में हम देखें कि इसको सिंगल प्लग से मैंने कनेक्ट किया है और सिंगल प्लग अगर मैं इसको देखो अब दो सबकी लाइटें एक साथ बंद होगी, ये मैंने इसको बंद किया तो आयोनाइजर भी बंद होगा, ये आयोनाइजर बंद और इधर ये इसकी भी लाइट बंद हो गई, आप देखो ये दोनों एक साथ बंद हो गए। तो इस तरीके से इसको पूरा व्यवस्थित लगा के दिमाग और इसको बनाया है, सी सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ISO दिस वन रेजुएल, और इसी में आगे हम G7 प्लेट का है और इसी में आगे हम 1000 LPH 2000 LPH 5000 LPH 10000 LPH कॉमर्शियली आयोनाइजर की अगर किसी को डिमांड रहती है बॉटलिंग प्लांट के लिए या कैंपर प्लांट के लिए तो वो भी हम बनाते हैं, कॉमर्शियल बनाते हैं, ये डोमेस्टिक है, घरों के लिए है। जय श्री कृष्ण।